और वहीं सीएम अखिलेश यादव आज सूबे की जनता को डायल 100 की सौगात देंगे। आज लखनऊ में अखिलेश यूपी पुलिस की इस प्रभावशाली हाईटेक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को 100 डायल का एक विज्ञापन भी जारी हुआ है। दरअसल इसके जरिए महज एक फोन कॉल और 10 मिनट में स्पॉट पर मदद के लिए पुलिस के जवान पहुंच जाएंगे। आपको बताते हैं कि डायल 100 क्या है। दरअसल आज शाम 6 बजे के बाद कोई भी शिकायतकर्ता पुलिस को 100 नंबर पर फोन करेगा तो वो लखनऊ के हेडक्वार्टर्स में उठेगा। वहां शिकायतकर्ता की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। पूरी शिकायत नोट करने के बाद हेडक्वार्टर से जो गाड़ी सबसे नजदीक होगी उसको तुरंत घटना स्थल पर भेजा जाएगा। डायल 100 सेवा की जो प्रारंभ में जीपीएस से लैस होगी और 83 गाड़ियां जीपीएस से लैस होगी। सेवा के तहत हर गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, यूपी 100 नाम से ही शुरू की गई इस परियोजना का खाका जो है वो 5 दिसंबर 2014 से बुना जा रहा था, जिसकी मदद से एम्बुलेंस की तर्ज पर जरूरतमंद के पास पुलिस की मदद पहुंचाई जा सके। ये सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अनामिका, अखिलेश यादव का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका वो आज उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ होगा इस डायल 100 में और किस तरह से ये लोगों की मदद कर पाएगी? देखिए, तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है डायल 100, जिसके जरिए जो है पुलिस घटनास्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, इसके लिए डायल 100 योजना जो है शुभारंभ आज होगा। और सबसे बड़ी कोशिश तो सरकार की यही है कि जो क्विक रिस्पॉन्स है वो पुलिस की ओर से पीड़िता को या घटनास्थल से पुलिस पहुंच पाए, इसके लिए है। माना यह जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट का समय लगेगा इस योजना के शुरू होने के बाद पुलिस के घटनास्थल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पुलिस ये अनुमान लगाकर चल रही है कि जल्दी से जल्दी भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो मौके वारदात पर कम से कम जो कार्य चलिए। अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो डायल 100 आज जिसका लोकार्पण करेंगे सीएम अखिलेश यादव, और उसके बाद उनका प्रोग्राम बरेली में भी है। इस परियोजना के तहत 10 मिनट में स्पॉट पर गाड़ी पहुंचेगी, जो भी पुलिस को रिपोर्ट करवाएगा पुलिस अपनी जो सबसे नजदीक घटनास्थल के सबसे नजदीक जो गाड़ी होगी उसको वहां भेजेगी।